बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम आपको कढ़ी पकौड़ा की एक रेसिपी दे रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। पहले मैं आपको कढ़ी के लिए बता रही हूँ, ये आधा किलो दही लिया है, ये एक बड़ा चम्मच मेथी दाना, कड़ी पत्ता, खुश्क सूख मिर्चें, ज़ीरा, एक टमाटर, मीडियम साइज़ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसके साथ खुश्क मसाले हैं जिसमें नमक, मिर्च, धनिया पिसा हुआ अनारदाना और अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसके साथ हमने तकरीबन आधा कप बेसन लिया है, ये कड़ी के थे। और आप ये पकौड़ों के हैं, एक प्याज, आलू आपकी चॉइस है, आप बग़ैर आलू के भी बना सकते हैं, धनिया, साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, लाल मिर्च, अनारदाना, और इसके साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी शामिल होगी। और बेसन है तकरीबन 1 कप। तो अभी पैन में हम तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे, क्योंकि इसमें हमने मेथी दाने को कड़कड़ा के ब्लैक कर लेना है, और फिर हमने उसे ऑयल से निकाल लेना है कि उसकी तमाम खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाएगी। मेथी दाने का को आपने बिल्कुल ब्लैक कर लेना है, ये थोड़ी देर में हो जाएगा। और इसको आपने फिर बड़े ध्यान से सारा छान लेना है, क्योंकि अगर एक दाना भी रह गया तो वो कड़वा होगा। तो कढ़ी बनाने के 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका जो है वो उसे कच्ची कढ़ी कहा जाता है, उसमें तमाम चीज़ें मिक्स करके गलने के लिए रख दी जाती हैं और बाद में तड़का दिया जाता है। और इसमें पहले भी हल्का सा ये मेथी दाने का बघार दिया जाता है, इससे कढ़ी में एक बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। अब इस दौरान मैं बेसन को थोड़ा सा गर्म पानी डाल के उसमें तमाम मसाले जो कढ़ी के थे मिक्स करके तो घोल लूँगी, और फिर इसमें दही शामिल करके फेंट लेंगे और इसको फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो ये तकरीबन हमारा जितना पेस्ट बनेगा दही और बेसन का थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसमें हम तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी डाल के तो इसे पतला करेंगे और फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। और ये कढ़ी तकरीबन हमारी 45 मिनट से 1 घंटा तक पकती रहे। कढ़ी का यही है कि ये जितनी ज़्यादा पकी होगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा। तो इसको उस मकदार में लाने के लिए हमें इसमें उतना पानी शामिल करना चाहिए कि आधा घंटा पकने के बाद वो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट के मुताबिक हो जाए, जैसे हमें जितना हमें चाहिए। अभी मैंने उस ऑयल को छान लिया था और फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, पहले उसे हल्का सा भुना है, और अब टमाटर जो मैंने दिखाया था आपको उसका पेस्ट बना के तो वो डाल दिया है, और इसे एक बॉयल आने देंगे, क्योंकि इससे टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और इस दौरान मैं बेसन को जो मैंने घोला है उसे मैं ब्लेंडर में मिक्स कर लूँगी दही के साथ और थोड़े से पानी के साथ, तो वो भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा और इसे पकने के लिए कढ़ी को रख दिया जाएगा। कढ़ी को शुरू में हम मीडियम आंच पे रखेंगे, मीडियम हाई आंच पे रखेंगे, लेकिन जब इसका फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको स्लो हीट पे कर देंगे। और इस दौरान आप अपना कोई और काम भी कर सकते हैं, बीच बीच में इसमें चम्मच चलाते रहें तो ये ऐसा ऐसा पकती रहेगी। और इसी पकने ही से बेसन का कच्चापन दूर होता है और तमाम मसाले मिलके एक अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। अभी हमने इसमें बेसन शामिल मैं कर रही हूँ, तो तकरीबन मैंने ये 2 जार बने थे इस अमाउंट के लिक्विड के, बेसन वाले के, तो हम मैंने उसके साथ 3 जो हैं वो वाटर के डाले हैं बाद में, ताकि ये पक पक के बाद में तकरीबन 2-2.5 गिलास के करीब रह जाए।
हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ते डाल देंगे, ये इनके साथ ही पकती रहेगी। बीच बीच में हम चम्मच चलाते रहेंगे, जब इसे पहला बॉयल आ जाएगा तो फिर इसकी आंच हम हल्की कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहें। अभी का तकरीबन 25-26 मिनट पक चुकी है मीडियम आंच पे और थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ये आपकी चॉइस पे है लेकिन ये अच्छी लगती हैं। अभी ये तकरीबन 10-12 मिनट और पकेगी तो फिर हम अपने पकौड़ों के मटेरियल को मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों के मटेरियल को कभी बहुत पहले ना मिक्स करें, अगर करना भी है तो फिर उसमें नमक मिर्च शामिल ना करें क्योंकि वो फिर सौगी हो जाते हैं और उनमें पानी पैदा हो। अभी मैंने ये एक आलू लिया है, दिखाए मैंने आपको दो थे, एक भी आलू काफ़ी है। कई लोग जो इंडियंस हैं वो बग़ैर आलू के बनाते हैं लेकिन फिर सारा बेसन बेसन ही हो जाता है तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसमें मैंने एक आलू शामिल किया है, एक प्याज, एक मुट्ठी धनिया है, और प्याज को बारीक काट लें, आलू भी जैसे ये देखें बारीक बारीक इसके काट लें। तो एक मिर्च बड़ी, दो मिर्चें थी, अगर बड़ी है तो एक, छोटी है तो दो, आपकी चॉइस है मिर्चें वगैरह जो भी आप डालना चाहें। इसके बाद इसमें मैंने अजवाइन, एक छोटी हाफ चम्मच अजवाइन ज़रूर डालें, ये पकौड़ों और कढ़ी के टेस्ट पे बहुत फ़र्क लाती है। ये धनिया है एक प्याली, धनिया से ये है कि जो इसमें मसाले हैं या स्पाइसेस हैं उनका उस तरह का इफ़ेक्ट नहीं होता, पकौड़े भी अच्छे बनते हैं क्योंकि हम इसमें पालक तो शामिल नहीं कर रहे और बेसन है। बेसन का अंदाज़ा आपको खुद भी हो जाएगा कि आपने कितना मटेरियल बनाया है। कुछ लोगों को ज़्यादा पकौड़े पसंद होते हैं तो वो इसकी मकदार बढ़ा सकते हैं। अभी मसाले हैं जिसमें सूखा धनिया, पिसा हुआ अनारदाना, कुटी सुरख मिर्च, सुरख मिर्च, कसूरी मेथी, थोड़ा सा थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा मीठा सोडा या बेकिंग सोडा, तकरीबन एक चुटकी के करीब है। सब चीज़ों को पहले आप ड्राई मिक्स करें, इसके बाद इन्हें नीम गर्म पानी से आप मिला लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपके थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा ना डालें क्योंकि थोड़ी देर बाद ये वेजिटेबल्स खुद भी पानी छोड़ देती हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप थोड़ा सा और शामिल कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी के साथ नहीं मिक्स करना हमने इन्हें। कढ़ी पकौड़े लोग बहुत पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में तो ये सबको ही पसंद आते हैं। और वैसे भी जो चने बेसन का के इफ़ेक्ट की वजह से ये एक हेल्दी खाना बन जाता है। बस इसको अगर अच्छे तरीके से तैयार किया जाए, अब हम पकौड़े बना लेंगे। तकरीबन हमें 30-40 मिनट हो गए हैं कढ़ी को पकते हुए, तो आपकी अपनी चॉइस है आप कितने बनाना चाहती हैं, आपके घर में कितने खाए जाते हैं। बगैर आलू के भी बन सकते हैं या प्याज के, लेकिन अब मैं तो एक आलू ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पकौड़ों का भी यही है, ऑयल को पहले गर्म कर लें और जब आप पकौड़े बना रही हो तो बहुत तेज़ आंच ना रखें, मीडियम आंच पे फ्राई करें, इससे वो जलेंगे भी नहीं, उनका कलर भी बड़ा अच्छा आएगा। पकौड़ों को हम निकालते जाएंगे और ऑयल उनका ड्रेन करके ज़रा अच्छी तरह से, तो फिर हम उन्हें कढ़ी में डालते जाएंगे। कढ़ी की आंच बिल्कुल हल्की है, आपने इसका चूल्हा बंद नहीं करना, साथ साथ पकौड़े बनाते जाएँ और उन्हें ड्रेन करके उसमें डालते जाएँ। स्टार्ट में कढ़ी का कलर इतना डार्क नहीं होगा लेकिन जो जो ये पकेगी तो थिक होती जाएगी तो फिर इसका खुद ही एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। पकौड़े जो हैं ये ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब उसी ऑयल में से मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी, बाकी ऑयल जो है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो
उस ऑयल में हम इसका बघार तैयार करेंगे या तड़का तैयार करेंगे। अगर आप एक इस साइज़ के आलू को लें और थोड़ा सा इसका धनिया प्याज, फिर भी काफ़ी सारे पकौड़े तैयार हो जाते हैं। तो ये है कि क्योंकि कड़ी जो है वो थिक हो जाती है पकौड़े डालने के बाद, तो हमने कड़ी को उस इतना उस लेवल पे रखना है कि वो बिल्कुल थिक ना हो, बल्कि एक मीडियम सी उसकी मीडियम सी हो, कि जब हम पकोड़े डालें भी तो उसका अच्छा सा रहे, उसका टेक्सचर ये नहीं है कि वो बिल्कुल सब्सी हो जाए। ये है कि अब उसी ऑयल में से थोड़ा सा ऑयल मैंने रखा है और उसमें मैंने वो प्याज डाल दिया है। ये पूरा प्याज नहीं है, थोड़ा सा प्याज है, और क्योंकि ऑयल तो ऑलरेडी गर्म है तो ये बड़ी जल्दी ब्राउन हो जाएगा। फिर इसमें हम कश्मीरी मिर्च और ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी शामिल की जा सकती है तड़के में, ये आपकी चॉइस है, उससे भी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। कड़ी का बादीवान ख़त्म हो जाता है, उस एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो अब ये तड़का तैयार होते ही हम इसे कड़ी पे डाल देना है और उसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। तकरीबन 2-1 मिनट बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे, हमारी कड़ी तैयार होगी। इसे आप जीरे वाले उबले चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, कई लोग तो बग़ैर किसी चीज़ के कड़ी पकोड़ों को ही खाना पसंद करते हैं, ये आपकी चॉइस है। उम्मीद है आप इस तरीके से ज़रूर बनाएंगे और हम आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। ये कश्मीरी मिर्चें जो डाली हैं, इनका कलर होता है हल्का सा लेकिन, और ये थोड़ी सी खूबसूरती के लिए होती हैं, अदरवाइज़ इनका कोई कड़वापन या तेज़ी नहीं होती। तो अब हमने कड़ी में तड़का डाल दिया है और तकरीबन 1 मिनट बाद हमने इसे बंद कर दिया है। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हमारी बहुत ही यम्मी सी कड़ी तैयार हो गई है। कड़ी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई और चीज़ें नज़र नहीं आनी चाहिए। आजकल यहाँ मौसम चेंज हो चुका है और आज बारिश भी थी, मौसम बहुत खूबसूरत था, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकले तो मैंने एक दो पिक्चर्स बनाई थी। बारिश आने वाली बनी हुई थी और मौसम भी बड़ा अच्छा था, दो अल्लाह ताला आप लोगों को भी खैरियत से रखे, आपके घरों में, रिस्क में, उम्र में बरकत दे। ये बेटी को हेलोविन डे स्कूल में जो सेलिब्रेट बच्चों ने किया था तो टीचर ने गिफ्ट दिए थे, ये देखें कैसी चीज़ है। शाम की चाय का टाइम हो गया था, आज हमारे एक हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनने केक भिजवाया था, चीज़ केक, वेरी यमी। चाय के साथ हमने इसे इंजॉय किया। उम्मीद है हमारा व्लॉग आपको पसंद आएगा और आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। और जिन लोगों ने न्यू सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम न्यू हैं तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आपके घर, रिस्क, घर में बरकत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।